उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण हेतु समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाकर लाभान्वित किया जाता है। श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं को पूर्व की प्रक्रियाओं से हटाकर विभाग द्वारा समाहित कर श्रमिकों को राहत प्रदान की गई है। पूर्व तक विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को जहां प्रपत्रों को जमा कराए जाने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता था, वहीं अब नई नीति के अनुसार शासन द्वारा एक ही बार की प्रक्रिया पर अन्य समाहित योजनाओं का लाभ भी श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा। श्रम विभाग में तैनात BOC प्रभारी DS दीक्षित ने बताया कि पूर्व में संचालित शिशु हित लाभ योजना, मातृत्व हित लाभ योजना और बालिका आशीर्वाद मदद योजना को अब समाहित कर एक ही योजना बना दी गई है, जिसके बाद इन तीनों योजनाओं का लाभ श्रमिक एक ही बार की प्रक्रिया का पालन कर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना और क्षमता पेंशन सहायता योजना को भी मिलाकर एक कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर पूर्व में जो लाभार्थियों के अनुपूरक में जिस प्रकार की उनके हितों को लेकर के योजनाएं चलाई जा रही थी, उन योजनाओं का अब बताया जा रहा है कि समावेश करके एक ही कर दिया जा रहा है। तो किस प्रकार की योजनाओं को एक किया गया है और उनके अंतर्गत लाभार्थी किस प्रकार से उसका लाभ प्राप्त कर सकता है? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा योजनाएँ चलाई गई हैं और 15-16 योजनाएँ चलाई गई हैं। उसमें जो मुख्य योजनाएं हैं, शिशु हित लाभ योजना, मातृत्व हित लाभ योजना और बालिका आशीर्वाद मदद योजना, इन तीनों योजनाओं को एक साथ समाहित करके एक ही योजना कर दी गई है। उससे निर्माण श्रमिकों को लाभ ये होगा कि निर्माण श्रमिक को अलग अलग तीन आवेदन नहीं करने पड़ेंगे, वो एक आवेदन करेगा और एक आवेदन करने के बाद हम उसमें देख लेंगे वो किस किस योजना में आच्छादित है। और शिशु हित लाभ का अगर उसे हित लाभ मिलना है तो हम उसे लाभान्वित कराएंगे। यदि प्रसव हॉस्पिटल में हुआ है तो मातृत्व हित लाभ योजना के अंतर्गत हम उसकी माता के पोषण के लिए वो धनराशि RTGS के माध्यम से भेजेंगे। साथ ही अगर संतान, पहली संतान पुत्री है या दूसरी पुत्री है, तो ऐसी स्थिति में बालिका आशीर्वाद मदद योजना जो थी उसमें 25,000 रुपये की FD बनाकर हम बच्ची के नाम देते हैं, जो कि 18 साल पूरे होने के बाद मैच्योर होती है। तो इन तीनों योजनाओं का एक समावेश कर दिया गया है, जिसे निर्माण श्रमिक अब तीन तरह की फाइल, तीन जगह कागज इकट्ठा नहीं करेंगे, वो एक आवेदन करेंगे और हम तीन योजनाओं से उनको लाभान्वित। मतलब पूर्व में जो बार बार उसे अपनी हर प्रत्येक योजना के लिए आवेदन करना होता था, अब वो एक में ही समावेश कर दिया, एक में समावेश कर दिया गया है। इसी तरह मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना थी और अक्षमता पेंशन योजना थी, इन दोनों को भी मिलाकर एक कर दिया गया है। तो उस पर भी एक ही आवेदन करने पर उनको लाभ मिल सकेगा। बार बार आकर के कर्मचारियों को या जो भी श्रमिक है वो उनको बार बार आकर के अपना अप्लाई नहीं करना होगा। हाँ, बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे तीन आवेदन होते हैं तो तीन आवेदनों के लिए उसे तीन बार बायोमेट्रिक कराना है, उतना समय भी लगता है, निर्माण श्रमिक का भी समय व्यर्थ जाता है और कार्यालय में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो भी, चूंकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो उसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, तो तीन बार करना पड़ता था, अब एक बार ही करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो भी, जिन भी योजनाओं से वो आच्छादित होगा, लाभान्वित होगा, उसकी धनराशि सीधे उसके खाते में यहाँ से भेजी जाएगी।